हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ हर्षिन कसौदन एंड हम इस समय जो है ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर पोएट्री एंड ड्रामा 1 जो कि राजस्थान के सभी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट NEP बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियोज़ में हम लोगों ने यूनिट 1 चैप्टर 1 प्रॉपरली डिस्कस कर लिया है एंड यूनिट 2 का हम लोगों ने चैप्टर 2 भी डिस्कस कर लिया है। ओके, सो इस वीडियो में हम चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डू चलिए हम चलते हैं हमारे चैप्टर पे। सो अब हम बात करते हैं फ्रांसिस बीमाउंट की। ये हमारे पोएट है फ्रांसिस बीमाउंट जो है। इनकी टाइमलाइन की अगर मैं बात करती हूँ तो हो जाइए 1584 से 1616 तक, यानी कि इनका बर्थ हुआ था 1584 में एंड ही डाइड इन 1616। ओके, ये एक चीज याद रखिएगा, इनके पापा का भी नाम फ्रांसिस बीमाउंट ही था, सर फ्रांसिस बीमाउंट। ओके, एंड इनके जो फादर थे वो कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज एट ग्रेस ड्यू के जस्टिस थे। ओके, एंड फ्रांसिस बीमाउंट हमारे जो पोएट है ये अपने फादर के थर्ड चाइल्ड थे। ओके, एंड फ्रांसिस बीमाउंट किस टाइम पीरियड के थे? ये जैकबियन टाइम पीरियड के पोएट रहे हैं, प्ले राइटर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश हिस्ट्री में। एंड इन्होंने इनकी जो राइटिंग्स रही हैं, आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा चीजें जो इन्होंने उस टाइम पीरियड में लिखी हैं वो थी 1606 से 1613 के बीच। इन्होंने प्लेज लिखे हैं कॉमेडी और ट्रेजेडी पे बेस, बट इन्होंने अकेले नहीं लिखे थे, वो कोलैबोरेशन करके लिखे थे किसके साथ? जॉन फिल्चर के साथ। ओके, अब इनके एजुकेशन पे आते हैं। तो इन्होंने एजुकेशन जो अपनी की वो की थी ऑक्सफोर्ड ब्रॉडगेट हॉल से, एंड इन्होंने जिसे लेटर जाके आगे जाके पेनब्रोक कॉलेज के नाम से जाना गया है। ओके, बट हुआ क्या था कि ही वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट हिज डिग्री, वो अपनी पढ़ाई वहां पे पूरी तरीके से कम्प्लीट नहीं कर पाए थे एंड इन्होंने कॉलेज जो है वो टाइम से पहले ही छोड़ दिया था। एंड जिस ईयर इन्होंने अपना कॉलेज छोड़ा उसी के एक साल बाद जो है इनके फादर की डेथ भी हो गई थी। एंड इवेंचुअली आफ्टर हिज फादर्स डेथ इन नवम्बर 1600 इन्होंने इनर टेम्पल ज्वाइन किया लंदन में। इनर टेम्पल जो है ये लीगल डिस्प्यूट्स के लिए, आप कह सकते हो जो लोग लॉ कर रहे होते हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंड इसी टाइम पे इनकी मुलाकात जो है जॉन फिल्चर से होती है एंड दोनों के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप बन जाती है। एंड ये लोग इतनी अच्छी फ्रेंडशिप बन जाती है कि ये लोग एक साथ साउथ वॉर्क में रहते हैं एंड इसी के पास में थिएटर भी है। सो ये वहां पे भी जाते हैं एंड वहां पे भी अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, अपनी राइटिंग शेयर कर रहे होते हैं। एंड जॉन फिल्चर की वजह से इनका फ्रांसिस का जो इंटरेस्ट था वो प्ले की तरफ कॉन्स्टेंटली या राइटिंग की तरफ कॉन्स्टेंटली बना रहा एंड काफी क्लोज थे, एक साथ रहते भी थे। इनकी जो हेल्पर थी या हाउसमेट थी वो भी एक ही लेडी थी। ओके, इनकी राइटिंग्स की बात करें तो इनकी जो फर्स्ट वर्स थी, वर्स जो है किसी पोयम का को कह सकते हैं या अगर किसी ने कोई कुछ लाइंस लिखी हैं, ठीक है, पोएटिक सेंस में कुछ लाइंस लिखी हैं उसको कहा जाता है। सो इनकी जो फर्स्ट वर्स थी वो इनके ब्रदर है जॉन बीमाउंट, उनकी बुक थी द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टोबैको, ठीक है, इसमें पब्लिश हुई थी 1602 में। एंड इसी टाइम पीरियड पे इन्होंने या इसी साल में जो है इन्होंने अपनी फर्स्ट पोयम सालमासिस एंड हर्माफ्रोडाइटिस भी पब्लिश की थी सेम ईयर में। एंड इसके बाद इन्होंने रेगुलर बेसिस पे मरमेड टर्विन जाना शुरू किया एंड जहां पे इनकी फ्रेंडशिप जो है वो एक तो जॉन फिल्चर से फ्रेंडशिप हो ही चुकी थी, बट जब इन्होंने मरमेड टर्विन पे जाना शुरू किया तो वहां पे इनकी फ्रेंडशिप जो है वो जॉन बेन जॉनसन से हुई। बेन जॉनसन हमारे एक पोएट है, हमारे कोर्स में है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इनकी फ्रेंडशिप जो थी वो इतनी अच्छी हो गई थी कि बीमाउंट ने अपनी एक पोयम में बेन जॉनसन को जो है अपना बेस्ट फ्रेंड बताया था। एंड जब बेन जॉनसन ने अपनी पोयम लिखी वॉल्पिन तो उसमें उन्होंने स्पेशली बीमाउंट को रेफर करते हुए लाइंस लिखी, हाउ डू आई लव दी बीमाउंट एंड दी म्यूज, ठीक है, ये डायरेक्टली अपने बेस्ट फ्रेंड को या डियर फ्रेंड को फ्रांसिस बीमाउंट को रेफर करके इन्होंने पोयम में
लिखी थी लाइन। ओके आगे चलते हैं। आगे की इनकी जो राइटिंग्स रही है यानी कि 1609 के साथ के आगे की जो राइटिंग्स रही है इसमें इन्होंने फेल्चर के साथ कंबाइन हो गए हैं ये, एंड इन्होंने शेक्सपियर का थिएटर था ये किंग्समैन जो है, यहाँ पे शेक्सपियर ने बहुत सारे अपने प्लेज लिखे हैं, बहुत सारे इनके प्लेज जो है वो पब्लिश हुए हैं या दिखाए गए हैं। ठीक है, तो शेक्सपियर का जो थिएटर था यहाँ पे शेक्सपियर हट चुके हैं, अब बीमाउंट और फेल्चर के प्लेस चल रहे हैं। एंड स्टार्टिंग में कौन कौन से प्लेस आए इनके, सबसे पहला प्ले आया इन दोनों का साथ में फैल्स्टर जो कि 1609 में दिखाया गया। ठीक है, इसके बाद आया द मेज ट्रेजेडी 1610 में, अ किंग एंड नो किंग 1611 में, एंड इसके बाद आया क्यूपिड्स रिवेंज 1611 में, इसके बाद आया द कॉक्स कॉक्स कोब 1612 में, देन आया क्राउनफुल लेडी 1613 में, एंड इसके बाद आया द कैप्टन 1613 में। ओके, अराउंड 8 to 12 पोएम्स, 8 to 12 जो है प्लेस इस ड्यूरेशन में इन्होंने लिखे हैं, एंड इवेंचुअली इसी टाइम पीरियड में 1613 के ही अराउंड इन्होंने अर्सला एक लेडी थी उनसे शादी की। ठीक है, एंड उनके थ्रू इनके पास दो डॉटर्स रही, फर्स्ट थी एलिजाबेथ एंड सेकेंड वॉज फ्रांसिस, बेटी का नाम भी फ्रांसिस ही है, बस स्पेलिंग का डिफरेंस है। देन इन 1616 ही डाइड। ओके, मरने से पहले जो है इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इनकी ग्रेव कहाँ पे रहेगी, तो इनकी ग्रेव जो है वो वेस्टमिंस्टर एबी में रही है, एंड इसमें भी ये जो वेस्टमिंस्टर एबी है, ठीक है, इसकी भी एक खास बात है कि इंग्लैंड के या इंग्लिश लिटरेचर के कई जो महान पोएट रहे हैं या राइटर्स रहे हैं, बहुत फेमस और रिनाउंड राइटर्स रहे हैं, वहां पे उनकी ग्रेव्स हैं। तो दो नाम सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहे हैं, फर्स्ट इज जॉन ड्राइडन एंड सेकेंड इज जॉर्जरी चौसर। जॉन ड्राइडन के बारे में मैंने यूनिट वन में बताया है, एंड चौसर के भी बारे में मैंने यूनिट वन में बताया है। चौसर इज वेरी फेमस, इनके नाम पे पूरी एक एज है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की, पोयम की। लाइन्स आर मोर्टैलिटी बिहोल एंड फेयर व्हाट अ चेंज ऑफ फ्लेश इज हियर। सो स्टार्टिंग में ही इन्होंने डेथ को या मोर्टैलिटी को, डेथ को भी नहीं मोर्टैलिटी को, कि इंसान जो है वो मरणशील है, वो बहुत ईजिली मर सकता है या एक टाइम आता है जिसके बाद इंसान जो है वो मरता है, इसको रेफर करते हुए उन्होंने लिखा है कि हमें मोर्टैलिटी से डरना चाहिए, एंड इट इज समथिंग टू फेयर, डेथ इज समथिंग टू बी फेयर्ड, क्योंकि जब वो होती है या जब कोई मरता है तो उसमें बहुत ही ट्रिमेंडस या बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। ओके, सो यही लाइन है, व्हाट अ चेंज ऑफ फ्लैश इज हियर। सो मोर्टैलिटी में जो चेंजेस आते हैं या मोर्टैलिटी के बाद जो चेंजेस आते हैं, मरने के बाद फिजिकल चेंजेस जो आते हैं वो बहुत ही एस्टोनिशिंग होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। थिंक हाउ मेनी रॉयल बोन्स स्लीप विद इन दिस हीप ऑफ स्टोन्स। सो अब वो हम लोगों से या जो भी रीडर है उससे कह रहे हैं कि अब सोचो जरा ये जो ग्रेव्स हैं इसमें कितने सारे रॉयल होंगे, कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत पावर होल्ड करते थे जब वो अलाइव थे या बहुत ही फेमस थे जब वो अलाइव थे, बट अभी अभी बस वो कुछ भी नहीं है, वो स्टोन बन चुके हैं, उनकी बोन्स, उनकी जो बोन्स हैं या उनका जो स्केलेटन है वो बस एक स्टोन का हिस्सा बन चुका है। अगर आप किसी ग्रेवयार्ड में जाते हो तो आपको सिर्फ टूम स्टोन्स देखते हैं, पत्थर ही देखने को मिलते हैं आपको वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये चीज रिफर कर रहे हैं। हेयर दे लाई हार्ड रेल्म्स एंड लैंड्स हु नाउ वॉन्ट स्ट्रेंथ टू स्टेयर देयर हैंड्स where from their pulpits sealed with dust they preach in greatness is no trust। so starting की ये दो lines को पहले देखते हैं, line 5 and 6। so इसमें वो कह रहे हैं कि जब वो जिंदा थे, जो royal हैं, जो powerful लोग हैं, जब वो जिंदा थे, जब वो alive थे, तब वो उनके पास बहुत सारी power थी, बहुत land था, सब कुछ था उनके पास, इतनी power थी कि वो पूरी country को हिला सकते थे। लाइक इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड ने बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्हें कॉलोनाइज किया है। ओके, सो काफी टाइम तक चीजें जो थी, जो पार में थे, उन्होंने रूल किया है, चीजों को इन्फ्लुएंस किया है, बट मरने के बाद क्या है,
उनके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो अपना हाथ तक हिला सके. दे नीड अनदर पर्सन स्ट्रेंथ, किसी और को उनका हाथ हिलाना पड़ेगा, वो खुद से अपना हाथ भी नहीं हिला सकते. मरने के बाद उनके पास इतनी ताकत भी नहीं बची हुई है. एंड आगे क्या है इन लाइन 7 और 8 में देखते हैं, तो इसमें वो कह रहे हैं कि अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि डस्ट से वो पूरी तरीके से सील हो चुके हैं, पूरी तरीके से फ्रीज हो चुके हैं, उनके लिप्स पूरी तरीके से फ्रीज हो चुके हैं. एंड इसी वजह से हमें मानना पड़ेगा, पहले तो वो कह रहे थे पावर इज एवरीथिंग, मैं हर चीज हासिल कर सकता हूँ, बट अब उनका कहना यह हो गया है कि कोई भी पावर जो है आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी पावर हमेशा के लिए लास्ट नहीं करेगी. ठीक है, आगे की लाइंस पे चलते हैं. हैज एन एकर सोन इन डीड विद द रिचेस्ट रॉयलिस्ट सीड दैट द अर्थ डिड एवर सकेन सिंस द फर्स्ट मैन डाइड फॉर सिन. सो इन लाइंस में जो है वो फिर से आप कह सकते हो कि पोयर जो है वो एक मेटाफोरिकल सेंस में बात कर रहे हैं. एंड ये जो ग्रेवयार्ड की जो लैंड है जहाँ पे सारे ग्रेव्स हैं उसको एक होली प्लेस मान रहे हैं. ठीक है, एंड उसमें इनका कहना है कि ये जो इतना बड़ा एरिया है इसमें बहुत सारे लोगों को बरी किया गया है. जैसे हम लोग किसी सीड को सॉइल में सो करते हैं, उसको बोते हैं ताकि कुछ उगे उसमें से, वैसे ही अब क्या हुआ है, जो लोग मर गए हैं, जो रॉयल हैं, जो पावरफुल थे, वो मर गए हैं एंड उन्हें भी हमने एक सीड की तरह जमीन में बरी कर दिया है. ठीक है, एंड अब ये जो जमीन है ये ऐसी जमीन हो चुकी है, ये एक बहुत ही होली प्लेस हो चुकी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट मैन है, जो कभी भी मरा होगा, जो फर्स्ट मैन है, वो भी किसी तरह लैंड में बरी किया गया होगा. एंड वो क्यों बरी किया गया था, उसने भी अपने सिंस किए थे, उसके भी अपने कर्म थे, जिसकी वजह से ही डाइड एंड इवेंचुअली ही हैड टू बी बरीड. ओके, हियर द बोन्स ऑफ बर्थ हैव क्राइड दो गॉड्स दे वर एज मैन दे डाइड. अब यहाँ पे जो है जितने भी मतलब जितने भी लोगों को बरी किया गया है, ठीक है, जब वो बरी किए जा रहे हैं तब लोग रो रहे हैं उनपे. ठीक है, कोई भी मरता है तो ऑब्वियसली जो उनके लव्ड वंस होते हैं, जो उनकी केयर करते हैं, वो रो रहे होते हैं. अब ये लोग कैसे थे, मे बी ये लोग इतने रॉयल थे, इतने पावरफुल थे कि एक तरीके से हम उनको कंपेयर कर सकते हैं कि उनकी पावर जो है वो गॉड की तरह थी. लाइक कोई भी किंग होता है अगर वो बहुत अच्छा है तो हम कभी कभी एक सिमली की तरह ले लेते हैं कि वो राजा जो है वो भगवान की तरह था, या किसी और रेफरेंस में हम ले सकते हैं उन्हें. ठीक है, तो वही रेफरेंस यहाँ पे वो ले रहे हैं कि भले ही उनकी जो पावर्स थे जब वो जिंदा थे तब वो एक भगवान की तरह थी, बट अभी क्या हो गया है, अभी वो मरे हैं एक ह्यूमन बीइंग की तरह. ठीक है, आगे की लाइंस देखते हैं. Hear the sad ingobble things drop it from the ruined side of kings. So in lines में जो है वो जो humble nature है sand का या land का, उस area की land का, ठीक है, वहां पे जो है kings bury किए गए हैं and उन्हें वो compare कर रहे हैं किन से, ordinary things से compare कर रहे हैं, जो कि पहले बहुत ज्यादा splendor थी, बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में थी, रॉयल कंडीशन में थी, बट अभी उनकी कंडीशंस जो है वो डिटोरिएट हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं एंड अभी वो बस एक पत्थर में बंधे हुए हैं. ओके, हे इज अ वर्ल्ड ऑफ पॉम्प एंड स्टेट बरीड इन डस्ट वंस डेड बाय फेट. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसे लोग बरी हैं जो जब जिंदा थे तब वो बहुत ही आलिशान लाइफ जिए हैं, बहुत ही पावरफुल लाइफ जिए हैं, एक गेंडोर लाइफ वो जिए हैं, एक ग्रैंड लाइफ वो जिए हैं, इन्फ्लुएंस्ड लाइफ वो जिए हैं. ठीक है, इन्फ्लुएंशियल लाइफ वो जिए हैं, बट अभी क्या हो चुका है, आफ्टर देयर डेथ, आफ्टर देम बीइंग पेरिश्ड, उनका रिजल्ट यही चीज हुआ है कि फेट ने आखिर में उन्हें मार ही डाला है एंड दे आर डेड अगेन, दे आर दे डोंट हैव एनी पावर एंड कोई भी जो नेचर की पावर है, नेचर के लाइफ का जो नेचर है उससे कोई भी फ्री नहीं हो सकता. ओके, सो दिस इज चैप्टर 3. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बेन जॉनसन एंड हिज पोयम द नोबल नेचर. ओके, सो पहले हम हमारे पोएट की बात कर लेते हैं, बेन जॉनसन की. इनका पूरा जो नाम है वो है बेंजामिन जॉनसन एंड ये इंग्लिश पोएट है, प्ले राइटर है, प्लेस भी इन्होंने लिखे हैं
एंड अगर इनके हम टाइम पीरियड की या इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो हो जाएगी 11 जून 1572। एंड ये लंदन में बॉर्न हुए थे, इंग्लैंड में। इनके फादर एक क्लर्जी मैन थे। क्लर्जी मैन वो इंसान हो जाता है जो चर्च में काम कर रहा होता है, ठीक है। एंड इनके इनके बर्थ के 1 मंथ बाद ही जो है इनके फादर की डेथ हो गई थी, ठीक है। एंड उस टाइम पे इनके फादर जो क्लर्जी मैन बने थे वो किंग हेनरी 8 के टाइम पीरियड पे बने थे। एंड जब किंग हेनरी की डेथ हुई एंड उनके बाद क्वीन मैरी आई, तब इनके फादर को अपनी क्लर्जी मैन की जो जॉब है वो छोड़नी पड़ गई थी, ठीक है। एंड जॉब छोड़ने के 2 साल बाद ही इनके फादर की डेथ हो गई। एंड उसके बाद जो है इनकी मदर ने जो है एक ब्रिक लेयर, मतलब ब्रिक लगाने वाले या ब्रिक बनाने वाले एक इंसान से शादी कर ली थी, ठीक है। इनकी एजुकेशन की बात करें तो इनकी एजुकेशन जो है वो सेंट मार्टिन्स ले स्कूल में हुई है। ये भी लंदन में है। एंड इनकी जो फैमिली ने एजुकेशन का फंड किया था, सो पहले तो सेंट मार्टिन्स में ये पढ़े, उसके बाद ये वेस्टमिंस्टर स्कूल में चले गए थे। एंड वहां पे इनकी मुलाकात होती है इनके टीचर विलियम कैंडन से। विलियम कैंडन जो थे वो हिस्टोरियन थे, टोपोग्राफर थे, ऑफिसर ऑफ आर्म्स थे, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो सोल्जर थे या वॉरियर थे आप, ठीक है। एंड इनका विलियम का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है जॉनसन पे। एंड इन्हीं के अंडर रह के जॉनसन ने जो है जो उनका आर्ट और लिटरेचर की स्टाइल थी वो डेवलप हुई है। बट 1623 में विलियम की भी डेथ हो गई थी। एंड इसी के बाद जो है इनकी मुलाकात होती है ह्यूज होलैंड से। ये एक वेलिश पोएट है, ओके। एंड ह्यूज और जॉनसन की जो है फ्रेंडशिप काफी अच्छी हो जाती है, इतनी अच्छी हो जाती है कि अल्टीमेटली ये लोग साथ में मिलके जो कुछ स्टार्टिंग की पोएम्स रहती हैं विलियम शेक्सपियर की बुक फर्स्ट फॉली, उसमें कुछ इंट्रोडक्टरी पोएम्स इन्होंने लिखी है दोनों ने मिलके, ओके। आगे चलते हैं। तो आगे अपने स्टेप फादर की, वैसे तो इनको मौका मिल जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ने का, ठीक है। एंड ये वहां पे पढ़ते भी है, पढ़ाई भी करते हैं, बट ही हैज टू लीव हिज स्टडीज इन 1589। क्यों? क्योंकि इनके जो स्टेप फादर थे वो चाहते थे कि जॉनसन जो है वो उनका जो बिजनेस है ब्रिक लेयर का वो काम करें वो, ठीक है। एंड काफी टाइम तक उन्होंने ब्रिक लेइंग का काम किया है। एंड इवेंचुअली ही बिकेम अ सोल्जर एंड ट्रैवलिंग एक्टर। इन्होंने इसी ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में ये एक्टर बने थे, इसी ड्यूरेशन में इन्होंने शादी की है। इनकी पर्सनल लाइफ का ज्यादा आइडिया है नहीं, मतलब ज्यादा मेंशनिंग नहीं है कहीं पे, सो हम नहीं कह सकते कि इनकी शादी किससे हुई थी, ओके। अगर इनके राइटिंग स्टाइल की बात करते हैं तो जॉनसन ने तब लिखना स्टार्ट किया था जब इंग्लिश लिटरेचर, स्पेशली जो ड्रामा है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर तो है ही, बट इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामा जो है वो अपने बेस्ट पॉइंट पे था, अपने पीक पे था, सबसे ज्यादा ड्रामा उस टाइम चल रहा था, ओके। एंड जॉनसन ने अपनी राइटिंग से उस ड्रामा को एक और स्टेप ऊपर बढ़ा दिया था। इनकी खासियत थी कि ये एक तो एकेडमिक इनकी बहुत एक्सीलेंस थी, तो इनका अपनी लैंग्वेज पे, अपनी राइटिंग पे बहुत अच्छा कंट्रोल था। ये जैसे वेल एजुकेटेड लोगों के लिए सफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज करके भी लिख सकते थे, वेयर एज कॉमनर्स के लिए सिंपल वर्ड्स में भी अपने प्ले और अपनी राइटिंग्स को एक्सप्रेस कर लेते थे, ठीक है। मेजर वर्क की बात करते हैं तो इनका जो फर्स्ट मेजर प्ले रहा है वो था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इस प्ले को परफॉर्म किसने किया था, तो लॉर्ड कैम्बरलेन्स मैन। ये ग्रुप ऑफ मैन है, ठीक है, जो ड्रामाज या प्लेस को परफॉर्म करते थे, इन लोगों ने इनका प्ले परफॉर्म किया था। एंड जो लीड एक्टर था, लीड एक्टर कौन था, सोचिए, जॉनसन के प्ले का लीड एक्टर जो है वो विलियम शेक्सपियर खुद बने थे। एंड ये पर्टिकुलर प्ले एक बेस्ट एग्जांपल बन जाता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर एक टाइप का ड्रामा है, ओके, इसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे। बाकी इनके राइटिंग्स की बात करें तो आ जाता है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर 1599 में या अर्ली 1600s में इन्होंने लिखा। उसके बाद सिंथियाज रेविल 1601 में इन्होंने लिखा। द पोएट्रिस्ट 1601 में लिखा इन्होंने। उसके बाद 1606 में, मैंने
आपके थर्ड चैप्टर में हमें बोला है कि इन्होंने ये पोयम लिखी थी वोल्पिन या फिर द फॉक्स, इसी में ही जो है उन्होंने हमारे जो ऑथर थे, पिछले जो ऑथर थे उनके बारे में तारीफ की थी। ओके, नेक्स्ट इनका आ जाता है एपिकॉन या द साइलेंट लेडी 1609 में। इसके अलावा द एल्केमिस्ट आ जाती है 1610 में, एंड इसके बाद आ जाता है बेथ माओ फेयर 1614 में। अच्छा, एक खास बात है कि बेथ माओ ब्रेथलो फेयर के बाद जो है इन्होंने कोई अच्छी राइटिंग इन्होंने दी नहीं है, बट जो लोग इन्हें फॉलो करते थे या जो लोग इनको मानते थे, जो यंग पोएट्स यंग प्ले राइटर्स थे, वो खुद को इनको इतना ज्यादा मानते थे कि वो खुद को जो है सन ऑफ बेन या ट्राइब ऑफ बेन के नाम से बुलाते थे। इसी ड्यूरेशन में इनकी मुलाकात जो है इवेंचुअली जाके विलियम ड्रममाउंट से हुई। ये एक स्कॉटिश पोएट है एंड इन्होंने ड्रममाउंट के हिसाब से, जॉनसन कैसे इंसान थे, ही वॉज अ ग्रेट लवर एंड अ प्रेजर ऑफ हिमसेल्फ, अ कंटेमनर डिस्पाइजर एंड स्क्राउनर ऑफ अदर्स, गिवन रादर टू लूज अ फ्रेंड देन अ जेस्ट। सो अगर कहा जाए तो ड्रममाउंट का कहना था कि ये ऐसे इंसान थे जो बहुत चाहने वाले, एक लविंग हस्बैंड थे, लविंग पार्टनर थे, इसके अलावा ये खुद को, खुद की प्रेस करना बहुत ज्यादा पसंद करते थे एंड दूसरों को जो है नीचा दिखाना बहुत ज्यादा प्रेफर करते थे। ये किसी को खुश करने के लिए अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सिंपल टर्म्स में, जॉनसन मेड अ लॉट ऑफ जोक्स अबाउट अदर पीपल एंड थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज अ सुपीरियर टू देम। यही चीज है कि वो दूसरों का मजाक बनाते थे एंड सोचते थे कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कई सारी नॉन ड्रामेटिक राइटिंग्स भी लिखी, जिसमें से इनकी थी टिम्बर और डिस्कवरीज। ठीक है, अब इनकी डेथ की अगर बात करते हैं तो किंग जेम्स के टाइम तक ये जिंदा रहे, किंग जेम्स फर्स्ट के टाइम तक जिंदा रहे हैं। ठीक है, एंड इसी के बाद जो है अगस्त 1637 में जो है इनकी डेथ हुई है। डेथ से पहले इन्हें पैरालिसिस का अटैक आता है, जिसके बाद ये बेड रिडन हो जाते हैं। आप कह सकते हो कि इस टाइम पीरियड यानी कि 1625 के बाद इनको पैरालिसिस का अटैक आता है, जिसके बाद से बेड रिडन रहते हैं एंड इवेंचुअली ही डाइज इन 1637। ओके, अब हम चलते हैं हमारी पोयम के एक्सप्लेनेशन पे। सो पोयम का एक्सप्लेनेशन आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इस पोयम में जो है इन्होंने बात की है कि किस तरीके से इंसान जो है डिल्यूजन में रह जाता है एंड वो चीजों को समझने में, लाइक आपको लगता है कि मुझे आपने वो, आई थिंक एक मूवी है उसमें लाइन थी कि 100 साल तक जानने के लिए या लोगों को 100 साल तक आपको याद रखें, इसके लिए आपको 100 साल जीने की जरूरत नहीं है, एक दिन में ऐसा काम करो कि लोग आपको 100 साल तक याद रखें। ठीक है, कुछ ऐसा ही आपको इस पोएम में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इनका कहना है कि आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती हैं, लाइक ओशंस आर मेड अप ऑफ ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे बूंद से ही मिलके ओशन बना हुआ है, तो अगर आप ड्रॉपलेट्स पे फोकस करोगे तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा। बट लोग इस डिल्यूजन में रहते हैं कि मुझे ओशन बनना है, मतलब मुझे कुछ बड़ा बनना है, मैं छोटी छोटी चीजों पे वो अपना ध्यान देना भूल जाते हैं एंड ये जो स्मॉल गेन्स वो मिस कर देते हैं, इसकी वजह से वो लाइफ का जो मेन एसेंस होता है वो उसे मिस कर जाते हैं। एंड इस पूरी पोएम में इन्होंने दो मेटाफर्स यूज किए हैं, फर्स्ट इज एन ओक ट्री, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगा कि आप एक लंबी या जो बड़ी चीज पे आप फोकस करते हैं वो, एंड सेकेंड इज लिली फ्लावर। लिली फ्लावर वो एक छोटे से मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें आप जो है कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को या एज अ होल वो आप पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट करे। ठीक है, अब हम चलते हैं पोएम की लाइंस पे। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, इन बल्क डॉट मेक मैन बेटर बी, or standing log an oak 300 years to fall a log at last dry bell and cern। okay, so isme poet jo hai wo sabko inform kar rahe hain ki unki jo life ka usefulness hai, ki aapki life kitni zyada useful ho sakti hai uske bare mein, to example ya aap keh sakte ho metaphor inhone kiska liya hai, oak tree ka। theek hai, so oak tree ke bare mein kya keh rahe hain ki oak tree jo hai wo bhale hi 300 साल 300 ईयर्स तक जिंदा रहता है, वो कई सारी चीजों को देखता है, कई सारी चीजें वो करता है एंड उसे अपना फुल पोटेंशियल गेन करने में 300 ईयर्स लग जाते हैं,
बट जब वो मरता है तो क्या होता है, आफ्टर 300 ईयर्स उसका लॉग बनता है, उसकी लकड़ियां बनती है एंड उन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली वो 300 साल तक तो जी रहा है, बट देखा जाए तो उसने अपनी लाइफ में आज सच कुछ बड़ा नहीं किया है, वो बस 300 साल तक जिया है, यही बहुत बड़ी बात है उसके लिए, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ जो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, उससे अच्छा है कि हमें एक आप कह सकते हो स्पिरिचुअल या एक जो यूजफुलनेस होती है हमारी लाइफ की, हमें वो मिल जाए, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका स्टैंडा था उसमें आपको फिजिकल ग्रोथ देखने को मिल रही है कि वो 300 साल तक जिया, उससे फिजिकली वो 300 साल तक प्रेजेंट रहा, 300 ईयर्स तक प्रेजेंट रहा। बट सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने क्या कहा है, अ लिली ऑफ अ डे इज फेयरर फार इन मे, ऑल्दो इट फॉल्स एंड डाइज दैट नाइट, इट इज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। अब इसमें उन्होंने लिली फ्लावर की बात की है, ठीक है, एंड इन्होंने कहा कि लिली फ्लावर भले ही जो है एक रात के लिए उगता है, ठीक है, एक दिन में वो उगता है, वो बहुत अच्छे से ब्लॉसम करता है एंड सेम रात को वो या सेम दिन का जो रात होता है उसमें वो मुरझा के गिर जाता है। सो इस स्टैंजा में वो बेसिकली क्वालिटी और इम्पैक्ट ऑफ लाइफ या किसी के एग्जिस्टेंस से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। वही चीज आ गया कि एक दिन में अच्छा काम कर लो, 100 साल तक याद रखें या 100 साल तक जियो। तो फर्स्ट स्टैंजा में ओक ट्री जो है वो 300 ईयर्स तक जी रहा है, बट वेयर इज लिली फ्लावर जो है वो सिर्फ एक दिन जी रहा है, बट उसका जो उसकी जो यूजफुलनेस है या उसके एग्जिस्टेंस की जो मीनिंग है वो काफी बड़ी आ जा रही है। क्यों? क्योंकि लिली फ्लावर को जो है सिंबल ऑफ लाइट माना जाता है या फ्लावर ऑफ लाइट माना जाता है, सिंबलाइज किया जाता है ब्यूटी और लाइट से, ठीक है। सो सिंपल सा है, आप जो छोटी छोटी चीजें हैं आप उन पर फोकस कीजिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द बिगर थिंग्स। ओके, लास्ट कपलेट पे चलते हैं। लास्ट कपलेट, इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटीज सी एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। सो इसमें सिंपल सा उनका कहना है कि जो ग्रेटनेस है आप उस पर रिफ्लेक्ट कीजिए, क्वालिटी पे ज्यादा आप रिफ्लेक्ट कीजिए ना कि क्वांटिटी पे। आप ज्यादा लंबा जीने की कोशिश मत कीजिए, बट जो आपकी लाइफ के छोटे छोटे पल हैं, जो ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आपके एग्जिस्टेंस पे, आप उन पर ज्यादा फोकस कीजिए एंड उन छोटे मोमेंट्स को आप परफेक्ट बनाने की कोशिश करिए। ओके, जैसे एक लिली फ्लावर है आपका, वो छोटा सा है बट वो ब्यूटिफुली अपनी लाइफ को रिप्रेजेंट कर देता है। जो मैसेज है, मैसेज आप देख सकते हैं, एन इंडिविजुअल इन हिज लाइफ, यहां से आप ले लीजिए लाइन, द फिलोसफी ऑफ द पोएम एंड द मैसेज दैट द पोएट विशेज इज टू अडॉप्ट बाय एन इंडिविजुअल इज हिज इन हिज डे टू डे लाइफ। जो लिली वाला मैसेज है कि आप अपनी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स पर फोकस कीजिए, यही मैसेज मेन पूरी पोएम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये लाइन पे आप फोकस कर सकते हैं, इट कैन बी टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स और टू कलेक्ट मोमेंट्स, एवरी टास्क कैन बी डन इन स्मॉल क्लियर मोमेंट्स, इफ एन इंडिविजुअल ट्राइज टू अचीव एवरीथिंग इन वन शॉट ही विल एंड अप एम्प्टी हैंडेड, एंड इंडिविजुअल शुड नॉट एम एट द टॉल एंड ओल्ड ट्री, बट शुड एम टू मेक एवरी डे लाइक अ ब्यूटिफुल लिटिल फ्लावर That celebrates its short life at its best. So, फिर से वही चीज आ गई कि आप छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक ही बार में कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी एम्प्टी हैंडेड, आप खाली हाथ ही रह जाएंगे। आप बड़ा तो पा लेंगे बट अपनी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट पल हैं, जो ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं आपकी लाइफ में, आप उन्हें मिस कर जाएंगे, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी बी लाइक द ट्री, ओक ट्री जो 300 ईयर्स तक रह रहा है, आप ट्राई कीजिए लिली की तरह बनने की, क्योंकि वो अपनी लाइफ को इम्पैक्टफुल बना रहा है सिर्फ एक दिन में ही जिंदा रह के, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। चैप्टर 3, चैप्टर 4 आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। इफ यू लाइक द वीडियो देन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं, कोई क्वेश्चन आता है या कोई सजेशन आता है, आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की। एंड अगर आपको इसके आगे के वीडियोस भी देखने हैं, तो इससे पहले के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके आगे के वीडियोस
धीरे धीरे चैनल पर पोस्ट होते रहेंगे, सो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको ये बुक खरीदनी है, क्योंकि अभी मैंने इस बुक में सिर्फ ऑथर के बारे में बताया एंड आपको पोएम एक्सप्लेन की है, बट बुक में और भी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की है। एंड अगर आप उसे रीड करना चाहते हैं तो आप बुक परचेज कर सकते हैं। बुक परचेज करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल है, लिंक भी अवेलेबल होंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।